जी दोस्तों, आज हमारे चौथा दिन है और आज हम जा रहे हैं तारा देवी के दर्शन कर ले और फिर वहां से हम निकलेंगे कसौल के लिए। और ये हमारे मिट्टू जी है जो हेलो दोस्तों कैलाश जी के क्या हाल है। बस बढ़िया बढ़िया मिट्टू जी, बढ़िया। देखते रहो और एंजॉय करते रहो वीडियो के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नगर निगम की सीमा समाप्त हो जाती है और ये पूरा अभी अर्बन एरिया में आता है। तो अभी हम आपको आज लेके चल रहे हैं तारा देवी टेम्पल, जो कि शिमला से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी आप दिल्ली चंडीगढ़ की ओर जा रहे हैं तो आपको 11 किलोमीटर पहले शिमला से जब मंदिर का रास्ता जाता है, जो काफी शानदार है और मंदिर है पुराने के साथ साथ की सबसे ऊंचा, उस पर स्थित है जो काफी शानदार और देखने लायक, जो शिमला के टूरिज्म उसके अंदर टॉप 3 के अंदर इसका स्थान आता है। जो सबसे पहली ऊंची जो चोटी है वो जाकू मंदिर वह, और दूसरी तारा देवी मंदिर वाली है जो काफी शानदार है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं तारा देवी टेम्पल। ये तारा देवी टेम्पल का रास्ता यहाँ से स्टार्ट हो गया है और ये काफी जो काफी घुमावदार और घुमावदार के साथ इतना ही रोमांचक और मजेदार होने वाला है। यहाँ पे अभी थोड़ा रोड का भी काम चल रहा है जो इसको डबल किया जा रहा है। अभी यह सिंगल लाइन में चल रहा है इसलिए तो आने जाने में दुविधा नहीं हो चक्कर में। इसको भी 2 लेन किया जा रहा है और ये थोड़े दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार यहाँ नज़ारा है, शानदार और नज़ारों के साथ यहाँ काफी खतरनाक घुमावदार रोड है, सड़क है, जो एक तरफ सड़क है और एक तरफ नीचे खाई है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ऊपर पहाड़ पे, वो तारा देवी टेम्पल ही था। तो देखिए कितना शानदार। और बात करें यहाँ की, अगर आप टैक्सी से आना चाहते हैं टैक्सी भी आती है, अगर बस से आना चाहते तो बस आपको जो शिमला का पुराना बस स्टैंड है वहां से बस मिलती है सुबह 9:45 या 10 बजे के आसपास, जो आपको वहां नीचे तक छोड़ती है, तारा देवी टेम्पल तक छोड़ती है आपको। वहां से आपको कुछ ही सीढ़ियां हैं वो चढ़ के ऊपर मंदिर तक पहुंच सकते हैं आप।
तो साथ ही हम पहुंच चुके हैं तारा देवी की जो पार्किंग स्थल, वहां पहुंच चुके हम। और जो पार्किंग अभी आप देख रहे हो जो भी खाली खाली है, संडे के दिन यहाँ पे भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं, जो कि यहाँ पे भंडारा चलता है मंदिर में। और बात करें यहाँ की श्रद्धालुओं की, यहाँ पे लाखों करोड़ों की संख्या में जनसैलाब आते हैं दर्शन के लिए, क्योंकि मंदिर काफी प्रसिद्ध है और घूमने लायक है। और यहाँ प्रकृति की चारों ओर हरा भरा स्थल है उसलिए। तो दोस्तों अभी आपको लेके चलते हैं सीढ़ियों से ऊपर और वहां से आपको नेचर का आनंद दिलाते हैं, तो देखते रहिए। तो यहाँ पे बात करें रास्ते की, यहाँ सीढ़ी भी है और रोपवे भी है और रैंप है। अगर जो बुजुर्ग हो, जब जिससे चला नहीं जाता हो, वो व्हील चेयर पर बैठ के जा सकता है ऊपर और वो माता जी के दर्शन कर सकता है। व्यू देखिए दोस्तों, व्यू एंजॉय कीजिए, व्यू काफी मजेदार है यहाँ के। तो साथ ही हम पहुंच चुके हैं, अपने जूते तक उतार के बैग क्रस ऊपर दर्शन मंदिर में ले जाना अलाउ नहीं है, तो हम हमारे जूते बैग और पर्स जो भी है यहाँ नीचे रख के जाएंगे और दर्शन कराएंगे आपको। अगर हो सका अंदर मोबाइल लेके जाते हैं तो दर्शन कराएंगे, अन्यथा आपको जो वहाँ की प्रकृति है उसके नेचर उसका आनंद लें आप। और यहाँ पे सेल्फी के लिए शानदार पॉइंट्स हैं जिनसे आप अच्छी अच्छी सेल्फी निकाल सकते हैं अपनी। तो हम पहुंच चुके हैं ऊपर मंदिर के लिए, जो काफी ये मंदिर जो बना है, ये लकड़ी से बना हुआ मंदिर है पूरा। और बात करें इस मंदिर की, तो करीब 250 साल पहले पश्चिम बंगाल से जो यहाँ के राजा थे, वो मूर्ति माता तारा देवी की मूर्ति यहाँ लाके स्थापित की थी। और निर्मित तारा मंदिर पहले ये लकड़ी की हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद में उसको धीरे धीरे अष्ट धातु के में तब्दील किया गया मूर्ति को, तो काफी शानदार है। और ये मंदिर अभी भी लकड़ी से बना हुआ है जो देखने में काफी अच्छा और सुंदर लगता है अभी भी। पर इस पे जो शिमला की जो कलाकृतियाँ लकड़ी पे उभारी गई है, जो डिजाइन होती है जो शिमला लोकल, वो उभारी गई है लकड़ी पे, जो दिखने में काफी मस्त। देखिए किस प्रकार कितना सुंदर मंदिर नजर आ रहा दोस्तों। यहाँ पे ऊपर पहाड़ी पे टॉप पे नजारा काफी शानदार है। अगर आप देखोगे यहाँ पे आगे व्यू, पूरे शिमला शहर से सबसे अच्छा व्यू आपको यहाँ मिलेगा। तो बात करें यहाँ पे मोबाइल अंदर ले जाना अलावा नहीं है, मोबाइल पे बैन कर रखा है यहाँ पे, तो इस चक्कर में हमने आपको दर्शन नहीं करा पाए। तो आप आए यहाँ पे, काफी शानदार है और काफी अच्छा मंदिर बना हुआ है लकड़ी से और मेंटेन है बिल्कुल। और यहाँ किसी प्रकार की कोई गंदगी या पन्नी कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे पन्नी बैन है, प्लास्टिक बिल्कुल बैन है यहाँ पे। तो दोस्तों आइए घूमिए मंदिर अच्छे से और नेचर का एंजॉय लीजिए। तो अभी आपको लेके चलते हैं यहाँ पे एक ही, यहाँ पे पीछे एक और मंदिर बना हुआ है माँ वैष्णो देवी का मंदिर, वो वहाँ से भी व्यू काफी मजेदार और शानदार आते हैं। अगर यहाँ से वहाँ से अगर आप रील बनाओगे इंस्टाग्राम वगैरह की, तो काफी मजेदार रील्स बनेगी। तो अभी आपको लेके चलते हैं थोड़ी देर में वहाँ पे भी, एक बार आप तारा देवी मंदिर का व्यू एंजॉय कीजिए अच्छे से। तो देखिए कितना शानदार नजारा है। और यहाँ संडे को आपको बताया था पहले कि भंडारा लगता है, जो भंडारे काफी स्वादिष्ट भोजन भंडारे जो यहाँ की जो ट्रस्ट है उसके द्वारा वितरित किया जाता है, जो काफी शानदार और अच्छा है। तो दोस्तों ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, इसी रास्ते से पीछे माँ वैष्णो देवी का टेंपल है, वहां पे जाया जाता है। और यहाँ पे नीचे घने जंगल में एक शिव जी का मंदिर भी है, वहां पे 2 किलोमीटर के आसपास ट्रेक करके आप जा सकते हैं, जंगल काफी घना है।
तो ये जो देख रहे हैं ये जंगल भगवान शंकर जी की, वो शंकर जी का मंदिर है उसके लिए जाता है ये। और जो सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं ये भगवान वो माता वैष्णो देवी की के लिए निकलता है। अब यहाँ से व्यू देखिए आप, क्या ही मजेदार व्यू है, पूरा आपको आसमान दिखेगा स्काई कलर का। ये जगह सिटी से थोड़ी दूर है बट काफी ब्यूटीफुल जगह है, अगर आप आओगे तो काफी एंजॉय मिलेगा आपको, यहाँ पे काफी सुकून मिलता है यहाँ पे। अगर आप एकांत में बैठोगे ना यहाँ पे कुछ टाइम तो बॉडी को मस्त सुकून मिलेगा। तो अभी आपको लेके चलते हैं माँ वैष्णो देवी टेम्पल। यहाँ पे जो मंदिर बनाया गया है, जो इसकी बनावट काफी अच्छी है और इसे साफ सुथरा बिल्कुल सही तरीके से मेंटेन कर रखा मंदिर को, काफी शानदार है। और इस मंदिर का निर्माण वीरभद्र जो के मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा, यानी इसको विस्तृत किया गया था, रिनोवेट किया गया था इसको और तारा देवी टेम्पल का जो रिनोवेट हुआ था वो भी यहाँ के सीएम वीरभद्र जी उनके कर कमलों द्वारा इस मंदिर का रिनोवेट किया गया था। ये भगवान भोलेनाथ, तो साथ ही हमने दर्शन कर लिए हैं मंदिर के। अभी दिखाते हैं आपको माँ वैष्णो देवी, करवाते हैं आपको दर्शन माँ वैष्णो देवी के। यही है माँ वैष्णो देवी की मूर्ति यहाँ पे जो लगी हुई है। तो दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे फिर एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना नेक्स्ट ब्लॉग होगा माँ तारा देवी से कसोल, तो दिखाएंगे आपको अच्छा सा रास्ता और मस्त नज़ारा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तो आनंद लेते रहे हमारे चैनल के साथ और बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगे। तो इसी बात पे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अब आगे का आपको जो भी व्यू मिलेगा रास्तों का वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।